सुबह से बहुत हेवी हेवी दिन चल रहा था और ऑलमोस्ट इतना रश था घर में काम करते करते कि पूरा अभी जो है 12 बज गए थे लंच बनाने में। तो मैंने सोचा फटाफट से क्या बना सकती हूँ, फिर याद आया कि बैगन रखा है एक, तो उसका ना भरता बनाते हैं। तो बैगन को जो है वो मैंने धो लिया था और बीच में से उन्हें कट लगा लेंगे ताकि कीड़े वगैरह रहते हैं ना, तो वो थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। और जहाँ जहाँ कट मारा है वहाँ पे हम मिर्ची और जो गार्लिक है उन्हें अंदर फिक्स कर देंगे। बैगन के अंदर इस तरह से फिक्स करने से ना, एक तो आपकी जो जगह है मतलब रोस्ट करने की वो भी बच जाएगी, साथ ही इसका जो फ्लेवर है बैगन का वो भी अच्छा लगेगा। और उन्हें थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे बैगन और टमाटर को। टमाटर को थोड़ा सा स्लेट कर लेंगे ताकि उसकी जो स्किन है वो आसानी से हम निकाल पाए। या तो आप इसे डायरेक्टली गैस के ऊपर सेकिए या फिर इस तरह से स्टैंड पे इसे रोस्ट कर लेंगे और बस थोड़ा सा वेट करना है, 5-10 मिनट में ये पूरा अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। ख्यालों में तेरे खोई हूँ। आई नो मेरी आवाज़ इतनी भी अच्छी नहीं है, बहुत बकवास है, प्लीज़ इग्नोर करना। मेरा बहुत मन किया आज दिन भर से, पता नहीं मुझे क्या हुआ, बहुत ये गाना मुंह में आ रहा था। आज मैं मतलब वॉइस रिकॉर्ड जब कर रही थी तब भी मेरे दिमाग में वही गाना चल रहा था, तो बस उसका इफ़ेक्ट होगा शायद। तो बस यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं, अभी जो है इनकी सारी स्किन निकाल देंगे, इन्हें पूरा इनके जो ऊपर की स्किन है और जो प्याज है मैंने बारीक चॉप कर लिया है और बस इनकी पिटाई करना है। इतनी अच्छे से पिटाई करना है कि इनका जो सारा फ्लेवर है वो पूरा बैगन में आ जाए। तो बस अभी कढ़ाई में ऐड कर देंगे ऑयल, अगर आपके पास सरसों का तेल है ना तो वो ऐड करना, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब क्योंकि मेरे पास सरसों का तेल जो है ना वो मतलब रिफ़िल करना पड़ेगा, तो टाइम नहीं था मेरे पास, ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया था और अभी मुझे अदरक को पिक करने भी जाना है, तो बस इसलिए फिर मैंने सेम मतलब जो रिफाइंड ऑयल है उसी में बनाया है। तो ऑयल में ऐड किया था ज़ीरा और प्याज को थोड़ा सा कम रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्की सी बाइट ना प्याज में रहनी चाहिए। उसके बाद सारे सूखे मसाले, रेड चिली, धनिया, ज़ीरा और हल्दी पाउडर और नमक और बस जो हमने सारा माल मसाला भुना था उन्हें ऐड करना है। और जो पैन है इसे हल्का सा टिल्ट करना, उसकी जो फ्लेम है ना मतलब जो आग है वो आपके पैन या फिर कढ़ाई के अंदर अगर आती है ना तो बहुत ही अच्छा और एकदम भुना भुना सा ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो बस ऊपर से ऐड करना है हरा धनिया की पत्ती और अगर आपके पास लेमन जूस है तो वो ऐड कर सकते हो। और हमारा डिलीशियस भरता तैयार है। और क्या लगता है इसके साथ क्या बनाना चाहिए? जस्ट सब्जी हुई थी और मेरा जो दूध वाला है वो आ गया था, तो मैंने दूध गर्म कर लिया था, तब तक के खड़े खड़े सोच लिया कि मैं क्या बनाऊं, तो फिर सोचा कि चलो भाकरी बनाते हैं, ज्वार की भाकरी। और बस इसके लिए मैंने जस्ट रिसेंट में अभी संडे को मैंने शॉपिंग गई थी सुपरमार्केट, तब लाया था मैंने ये आटा। तो जस्ट मेजरमेंट इतना ही कि जितना आपने आटा लिया है उतना ही आपको गर्म पानी लेना है। तो ये जो भाकरी है ना आई गेस 1.5 या फिर 2 साल के बाद मैं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा डर लग रहा है कि बनेगी या फिर नहीं, क्योंकि इसमें स्टार्च नहीं होता है ना, तो हल्की सी ये ट्रिकी होती है। बट ट्रस्ट मी ये बहुत ही ज़्यादा ना सॉफ्ट बनी थी। इसका रीज़न है कि हमने जो पानी और जो आटे का मेजरमेंट है ना वो बिल्कुल इक्वल इक्वल रखा था। तो इसे बनाते वक्त ना पहली बार तो मैंने हथेली पे बनाया, हाथों पे ही, क्योंकि जब मैंने नीचे रखा था मतलब चकले पे तो वो टूट गई थी, तो फिर मैंने सोचा चलो हाथों पे ही बनाते हैं। और जो लेजेंड वुमेंस है मतलब महाराष्ट्र की हमारी औरतें हैं महाराष्ट्र की, वो बहुत अच्छे से बनाते हैं, पता नहीं कैसे बना लेते हैं, बट ये भाकरी जो है ज्वार की भाकरी बनाना एक ट्रिक है, मतलब बहुत मेहनत लगती है या फिर नहीं लगती है पता नहीं, बट मैंने सेकंड टाइम फिर प्लास्टिक के ऊपर इसे बनाया था तो थोड़ी सी जम गई थी और डायरेक्टली गैस के ऊपर इसे सेक लिया था। और बस हमारी गर्मा गर्म भाकरी तैयार है। साथ में ना आपके पास अगर ठेचा है
तो वो ज़रूर सर्व करना। और ये जो भाकरी है बहुत सॉफ्ट बनी थी, बस मुझे डर लग रहा था इसे बनाने का, सेकने का मुझे इतना डर नहीं लगता है, बनाते वक्त ये जमती नहीं है। बस ऊपर से मैंने हल्का सा घी लगा लिया था, वैसे घी ऑप्शनल है, बट ये जो भाकरी है वो बहुत सॉफ्ट बनी थी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं बनी थी। और बस भरता भी तैयार है, भरता तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, साथ में सैलेड और प्याज ज़रूर सर्व करना। पिठला भाकरी के बाद ये रेसिपी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, भरता और भाकरी, और इतनी ज़्यादा टेस्टी ये बनी थी कि मतलब जब मैं प्लेट उठा के ले जा रही थी तभी चलते चलते खा लिया मैंने। तो बस बनाइए, आप भी खाइए और एंजॉय। बाय।